हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक वर्मा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको ऑटो कैड में सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स होता है, अगर वो आपको शो नहीं हो रहा है, नीचे कमांड लाइन में आपको वर्जन्स दिख रहे हैं कि आप यहां से ऐसे सेव कर सकते हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे आप डायलॉग बॉक्स को देख सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके और करता हूँ सेव एज, तो आप नीचे देख पाएंगे यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में आपका आएगा सेव एज, एंटर द फॉर्मेट। इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे तो डायलॉग बॉक्स देखना है, तो उसके लिए आपको एक कमांड टाइप करनी है, फाइल FILEDIA एंड प्रेस एंटर। जैसे आप करोगे तो नीचे आप देखो यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछेगा एंटर न्यू वैल्यू फॉर फाइल डाया। तो अगर आप वैल्यू जीरो रखते हैं वहां पे, अभी देखो जीरो है, तो आपको डायलॉग बॉक्स नजर नहीं आएगा। और अगर आप इसको वन कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो अब अगर आप सेव करते हो, सेव एज करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स नजर आ जाएगा। क्लियर है? अगर आप वहां पे दोबारा से जाके FILE डाया और इसकी वैल्यू को जीरो करोगे, जीरो एंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेव एज का डायलॉग बॉक्स नजर नहीं आएगा, नीचे ही आपका यहाँ पे शो होगा। तो इसको भी अगर आपको करना है इस तरीके से, तो कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी वर्जन चूज करें और उसके बाद यहाँ पे जहां पे भी सेव एज करना है वो सी प्रोग्राम यूजर PC इस पाथ पे आपका, या तो आप पूरा पाथ टाइप कर सकते हो, वरना आप डायरेक्टली इसको नाम रखे। मान लो मैंने रखा D2 मैंने नाम रखा एंड प्रेस एंटर। तो डेस्कटॉप पे अगर आप देखोगे जहां पे ये फॉर्मेट है, ये D2 के नाम से डॉक्यूमेंट्स में सेव हो गया और आप इसे इस तरीके से भी सेव कर सकते। वरना आप क्या कर सकते हैं, फाइल डाया आप यूज करें और आप इसकी वैल्यू को वन करें और अब आप सेव है इसका यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।